हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविज़न। आज मैं जो भी यहां पर रिपेयर करूंगा मेरे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, उसके मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जैसे कि जो भी पार्ट हो, जैसे मिक्सर, एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर, मिक्सर, फ्रिज, जो भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी वो पार्ट्स मैं यहाँ पर रिपेयर करता हूँ, क्योंकि ऑल इन वन रिपेयरिंग मुझे आता है। तो जो जो भी मैं यहाँ पर आज रिपेयर करूंगा, इसके बारे में आपके पास वीडियो लेके आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उसमें आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट का जवाब 10 से 15 मिनट में आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। आज मैं रिपेयर आपको करके दिखाऊंगा एक मिक्सर, जो भी आप घर पर रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अपनी लोकल कंपनी का एक मिक्सर है। यहाँ पर कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इस कंपनी का मेरे पास एक मिक्सर आया है। तो इस मिक्सर का प्रॉब्लम, हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। आप देख पा रहे हैं कि ASI का एक मिक्सर यहाँ पर ये कंपनी आपको दिख रही है। इस कंपनी का मिक्सर हमारे पास आया है रिपेयरिंग करने के लिए। तो इसका प्रॉब्लम क्या है आपको फटाफट से दिखा देते हो, ताकि आप वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, मेन प्लग में इसे स्विच में लगा देते हैं इस मिक्सर को। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, देख पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये ऑटो पर बना है, ये बटन ख़राब है इसलिए। तो यहाँ पर मैं जैसे घुमाता हूँ, ये हल्का सा घूमता है, देख पा रहे हो घूमता है, लेकिन स्पार्किंग होके घूम रहा है। क्योंकि ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले फिटर है, वो रिपेयर तो करते हैं, लेकिन उन ये घर घर पर आप रिपेयर इस मिक्सर को कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो क्या करते हैं, इसको फटाफट से हम इसे खोल लेते हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम तो देख ही लिया है कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आ रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर मिक्सर के 2-4 पार्ट ख़राब होने से ही आता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे, इसमें आर्मेचर है, ब्रशिंग है, या बुशिंग है, मतलब ये जो लूज कॉन्टैक्ट है, ये लूज कॉन्टैक्ट की वजह से भी आ सकता है। तो आप इसे खोल लेंगे और देख लेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है किस वजह से आ रहा है और क्यों प्रॉब्लम्स नज़र हमें आ रहा है। हमने इसे फटाफट खोल लिया है। अगर आप भी और भी कुछ चीज़ें जो है घर पर रिपेयर करना चाह रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फिटर भी नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, और हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, जो अक्सर हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़रूरी है। तो इसे हमने खोल लिया है। तो ये बटन तो सिर्फ निकला ही था, तो इसके अंदर हमें इसे बिटा देंगे। ज़्यादातर इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये ऑटो डायरेक्टली कर दिया है। तो मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी वायरिंग का फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बात रहती है इसकी स्टैंडिंग की, तो वो भी ओके दिखा रहा है। तो आप तो डायरेक्टली, मुझे तो पता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। तो आपको अगर पता है तो नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसके ब्रश जो है से मैं निकाल के देख लूँगा कि इसका प्रॉब्लम यही है क्या। देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने इसके ब्रश को यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये इसके पूरे जो ब्रश है वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ये ख़राब हो चुके हैं। तो दूसरा वाला जो ब्रश है उसे भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे निकालना बहुत ही इजी है, कोई भी इसे निकाल सकता है, इतना आसान है कि ये इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं आती है। देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने इस मिक्सर के ब्रश जो है निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेट से नवे न्यू जो ब्रश है वो ले लेंगे। देख पा रहे हो यहाँ पर, हाँ, अगर ये आपको नहीं पता है क्या है, तो ये ब्रश पैकेट है, जैसे कि मार्केट में इसकी कीमत 50 से 100 के बीच में है कि आपको मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे आप फटाफट निकाल लेंगे। आप मेरे वीडियो को बने रहिए, ताकि अगर आपको समझ लेना है कि मिक्सर स्पार्किंग मतलब चलते चलते रुक रहा है, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आ सकती है। यहाँ पर जो मैंने इसी ब्रश को हमने इसे निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली बिटा के आपको चेक करके दिखाएंगे कि प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हुआ है या कुछ और भी प्रॉब्लम्स में दिक्कतें आ रही है।
क्योंकि अक्सर ब्रश ख़राब होने की वजह से आर्मेचर भी ख़राब हो सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसे टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली हमारे जो आर्मेचर है ओके है या और प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही है। हमने इसे फटाफट से इसमें इंस्टॉल कर दिया है, तो हम क्या करेंगे अभी इतना दिक्कत वाला काम नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। अगर आप घर पे करते हो तो आपके पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि एकदम आसानी से प्रोडक्शन है। अगर आप दूसरा कुछ और काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपको बाकी कामों में तकलीफ महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको एक बजट में एकदम रेगुलरली कस्टमर की तरह काम करेगा। देख रहे हो अभी मिक्सर का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें और कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, सिर्फ ब्रशिंग का फॉल्ट था जो हमने इजीली इसे बना दिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको फटाफट से पैक करेंगे और आपको रेडी करके दिखाएंगे। हमने इसे पूरी तरह से पैक करके लिया है ताकि यह वीडियो मैंने स्किप किया था ताकि लंबा ना हो जाए। तो अगर आप घर पर भी रिपेयर करना चाहते हो, जो भी है आप जो भी पार्ट है आप रिपेयर करना चाह रहे हो उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा जो घर में चीज़ें यूज़ होती है और वो एडिशनल या बार बार लगती है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी इसे हम चालू करके देख सकते हैं कि ये ओके हो चुका है। देख रहे हो यहाँ पर मैंने जैसे ही डायरेक्टली इसे ऑन करता हूँ तो ये चालू हो रहा है, मतलब ये हमारा जो मिक्सर है पूरी तरह से ओके हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना बोले।